आखिर कौन है फिल्म इंडस्ट्री में यश के गॉडफादर? काजल अग्रवाल क्या केजीएफ 2 को देंगे एक बड़ा सरप्राइज? केजीएफ 2 कैसे बना कन्नड़ के लिए एक शोकेस प्लेटफॉर्म? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलाम रॉकी भाई, इस एंट्री सॉन्ग के शहंशाह यश को अब सिर्फ कन्नड़ सिनेमा ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस एक्टर ने जमीन से आसमान तक का सफर तय करने के लिए कितनी मेहनत की है? जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी का या तो कोई ना कोई गॉडफादर होता है या फिर कोई सिनेमा से कनेक्शन होता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इन्होंने ये सफर अपनी काबिलियत और अपने बलबूते पर खुद ही हासिल किया है। इनका सिनेमा वर्ल्ड के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के एक आम से परिवार में बड़े हुए हैं, जिनकी माँ हाउसवाइफ थी और दोस्तों इनके पिता कर्नाटक ट्रांसपोर्ट KSRTC के बस ड्राइवर थे। लेकिन इन्होंने इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर अपने लिए एक राम सेतु ब्रिज बनाया और दोस्तों सारी रुकावटों को पार करते हुए पहुंच गए अपनी मंजिल की ओर। और दोस्तों, आज ये चेहरा अपने काम से ज्यादा अपने नाम से जाना जाता है और ये इंडियन सिनेमा की लिस्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुका है। दोस्तों, लोग चंद तारे तोड़ने की बात करते हैं, इन्होंने तो अपने लिए धरती पर ही पूरा सौर मंडल रच डाला है। और दोस्तों, इनकी अपकमिंग फिल्म KGF 2 की चर्चा तो तेल में आग की तरह काम कर रही है। दोस्तों बता दूं कि जिस पर फिल्म के मेकर्स जब भी आग थोड़ी कम होती है फिर थोड़ा तेल छिड़क देते हैं और इसी के लिए व्यूअर्स आज बहुत ज्यादा इम्पेशेंट नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के जरिए कन्नड़ा के उन सभी लोगों को भी रोजगार मिला दोस्तों, जिनके पास टैलेंट तो था लेकिन उस टैलेंट को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक बार आप बहुत ही बड़े कारीगर के पास जाओगे तो वो उस काम को अपने बाकी रोजमर्रा के कामों की तरह करेगा। लेकिन अगर दोस्तों किसी नए कारीगर पर आप भरोसा दिखाकर उसको आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाओगे दोस्तों, वो अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन उस काम को देगा। और यही कारण है KGF के इतने फेमस और पसंद किए जाने का, जिसमें बहुत से नए टेक्नीशियंस पर अपना भरोसा दिखाते हुए प्रशांत नील ने लोकल लोगों को सौंपा है अपने फिल्म का जिम्मा। और दोस्तों, काम इतना बेहतरीन और उम्दा हुआ कि KGF 2 को भी अब वही लोग करने जा रहे हैं एक बार फिर से टेक ओवर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर हैं दीक्षा राजपूत।